रामनगरी अयोध्या में आयोजित तीसरे दीपोत्सव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश योगी सरकार विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। यह रिकॉर्ड राम की पैड़ी पर 3,21,000 दीप जलाकर बनाया जाएगा। वहीं अयोध्या नगर में 5,51,000 दीप जलाएंगे। इस दौरान कई विदेशी मेहमान इस महोत्सव के गवाह होंगे। अयोध्या के सरयू तट स्थित राम की पैड़ी पर एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस बार होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर राम की पैड़ी के घाटों और वृहद रूप दिया गया। राम की पैड़ी के 15 घाटों पर 3,21,000 दीपों को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 6,000 से अधिक वॉलंटियर द्वारा सजाया जा रहा है। एक बार फिर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की मेहनत के बाद विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर अयोध्या का गौरव बढ़ाएंगे। वहीं पूर्व में भी इन छात्रों के द्वारा 3,01,152 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस बार अयोध्या का दीपोत्सव अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का जा रही है। इसके साथ ही अयोध्या की 14 अन्य मठ मंदिरों पर भी बड़ी संख्या में दीपों का प्रज्वलन होगा, जिसे देखकर माना जा सकता है कि इस बार अयोध्या नगरी में 6,00,000 से भी अधिक दीप जलाए जाएंगे। हैं आप राम दरबार की, थोड़ा आगे आइए। राम दरबार की ये तैयारियां कितने बच्चों में है, क्या इसका मोटिव रहेगा राम दरबार सर? डॉक्टर सरिता सिंह, राम मनोहर लोहिया दृश्य कला विभाग से हूँ। वहाँ के सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर यहाँ पे सहयोग किया है राम दरबार बनाने के लिए। ये गिनीज बुक रिकॉर्ड बना रहे हैं जो 45 स्क्वायर फिट में बन रहा है ये पूरा। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड को, विश्व को विजुलाइज करा सके कि जब राम का आगमन हुआ अयोध्या में तो दीपों का कैसा प्रज्वलन था और क्या प्रकाशमयी दृश्य था, वो हम यहाँ पे विजुलाइज करना चाहेंगे जो ड्रोन कैमरे के थ्रू आप देख सकोगे। बाकी आप और भी घाट देख रहे होगे जिसमें सिमिलरली रो वाइज जो है दीप जलाए जाएंगे, काउंटिंग की जाएगी। इसमें 20,000 समथिंग दिए जलाए जाएंगे, मिनिमम है, मैक्सिमम अभी बढ़ सकते हैं इनके। और ये राम दरबार ऐसा है कि जो विजुअल आर्टिस्ट, अभी विश्वविद्यालय के जो कलाकार हैं, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रांतों, राज्य सॉरी जिला से आए हुए हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं बच्चे कल से लगातार लगे ही हुए हैं, मेजरमेंट किया और ड्राइंग वगैरह अपनी कंप्लीट की है। पहले किसके पास, किसके नाम है इस तरीके की पेंटिंग में? सर ये दीपोत्सव में तृतीय दीपोत्सव तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है ये राम दरबार विजुलाइज किया जा रहा है। अभी दीपों से कभी भी कोई नया फॉर्म नहीं क्रिएट किया गया, यह तृतीय वर्ष का पहला और अनोखा ये है विश्वविद्यालय की तरफ से कि राम को जो है चित्रित किया जा रहा है दीपों के माध्यम से। दोबारा से दीप अटेम्प्ट करना है, कीर्तिमान स्थापित करना है दीप जला करके, क्या तैयारियां आप लोगों ने पूरी कर ली? हम लोगों ने यहाँ पे बहुत तैयारियां की हुई हैं, दीप लगा रहे हैं और उसमें बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। कल से ही हम लोग लगे हुए हैं और ये हो रहा है कि सब अच्छे से हो जाए। अगर दीपोत्सव के दिन आज आप लोग दीप बिछा ले रहे हैं तो कल का दिन जो आपका बचेगा उस पर आप क्या कार्य करेंगे? कल हम लोग दियो में तेल डालेंगे और उसको शाम को जलाएंगे। अगर मौसम विपरीत है और आप लोगों का हौसला बुलंद है, क्या लगता है कि आप लोग दोबारा से कीर्तिमान स्थापित करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। मौसम आप ये दीप बिछाने का काम कब से चल रहा है और क्या इन दीपों को बिछाने के बाद दोबारा दीप बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, दोबारा नहीं पड़ेगी। दीप बिछाने का काम कल से चल रहा है, कल सुबह 8 बजे से, और बच्चे लगे हुए हैं तो अभी तक हमने टारगेट अपना उसमें 10,000 कम है हमारे पूरे करने, हमको 40,000 का टारगेट मिला है। जो भी योग उपचार विभाग, ITU यूथ हॉस्टल और भारतीय शिक्षण मंडल के लोग लगे हैं। तो ये अब इनके बाद जब आप लोग दीप बिछा लेंगे तो कल के दौर में क्या करेंगे? कल क्या? कल 8 बजे से ही इस पर बत्ती और तेल लगाने का काम शुरू होगा, क्योंकि आज का टारगेट है 40,000, जो हमारा लक्ष्य मिला उसको पूरा कर ले। कल हम दीपक में बत्ती और तेल लगाएंगे जिससे हम समय से दीपक को जलाने का काम शुरू कर पूरा कर लें। ये आप लोग जो दूसरा विश्व रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें जो आप लोगों की तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं? लगभग पूरी हो गई हैं, बस ये है कि ऊपर वाला थोड़ा साथ दे, क्योंकि इन्वायरमेंट देख रहे हैं कुछ विपरीत परिस्थितियाँ लग रही है, लेकिन हम लोगों के विश्वास के आगे परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी ऐसा।